एक राजा के सात प्रश्न। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कहते हैं मित्रों, मूर्ख व्यक्ति का संग करना, उससे परामर्श लेना किसी संकट से कम नहीं होता। ऐसे ही मैं आज की एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। एक राजा हुए थे जिनका एक मंत्री महामूर्ख था। वो हमेशा मूर्खता भरे तर्क दिया करता था। राजा उससे बहुत तंग आ गया, लेकिन वो अधिक बूढ़ा हो चुका था, इसलिए राजा उसे निकालना भी नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई बुद्धिमान व्यक्ति मिल जाए जिससे वो कठिन समय में कोई उचित सुझाव देकर मुसीबत से निकाल सके। लेकिन एक ही समस्या थी कि ऐसे व्यक्ति की खोज कैसे की जाए। तब उसने बुद्धिमान व्यक्ति की खोज के लिए राजगुरु से सलाह ली। राजगुरु ने बताया कि हे राजन, यह कार्य जल्दबाजी का नहीं है, काफी जांच परख कर ही ऐसे व्यक्ति की खोज करनी चाहिए। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें सात प्रश्न लिखवाता हूं। ये प्रश्न बहुत कठिन है, इनका उत्तर कोई बुद्धिमान ही दे सकता है। तुम इन प्रश्नों को अपने पूरे राज्य में हर जगह गांव-गांव में भिजवा दो और घोषणा कर दो कि इन सातों प्रश्नों के उत्तर सात दिनों के अंदर देने हैं। यदि कोई इन प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे पाया तो उन्हें दंड का भागी बनना पड़ेगा और जुर्माने के रूप में 5,000 रुपये भरने पड़ेंगे। इससे ये होगा कि राज्य का हर एक व्यक्ति दंड से बचने के लिए सही उत्तर देने की पूरी कोशिश करेगा, परंतु वे दंड से तभी बच पाएंगे जब उनके गांव या नगर का कोई बुद्धिमान व्यक्ति इन प्रश्नों को हल कर पाएगा। यदि किसी ने तुम्हारे प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए तो फिर बिना पूछे उसे ही अपना सलाहकार बना लेना। राजगुरु की बात राजा ने मान ली, क्योंकि सुझाव अच्छा था। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और चतुराई के बलबूते पर अपने गांव और नगर को दंडित होने से बचा सकता है, वह राजकाज की मुश्किल समस्याओं को भी सुलझा सकता है। राजा को साधु की योजना बहुत पसंद आई। राजा ने तुरंत गांव-गांव, शहर-शहर में विप्रश्न पत्र भिजवा दिए और दंड देने की मात्रा भी बता दी। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा प्रश्नों के सही उत्तर पाने की प्रतीक्षा करने लगा। अब तो कुछ ही दिनों में राजा के खजाने में पैसों का ढेर लग गया, क्योंकि वे पैसा वे व्यक्ति पहुंचा रहे थे जो राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए थे। राजा ये देखकर बहुत निराश हुए, सोचने लगा, क्या मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है? शहर के कुछ लोगों ने बहुत कोशिश करने पर एक या दो प्रश्नों के उत्तर ही दे पाए। तभी वहां एक मजदूर गरीब किसान आया और उसने कहा, महाराज, मैं आपके सभी प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दे सकता हूं। मजदूर की बात सुनकर राजा के चेहरे पर कुछ प्रसन्नता आई, किंतु उसकी हालत देखकर राजा सोचने लगा, क्या यह है गरीब मजदूर सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे पाएगा? मजदूर कहने लगा, महाराज, मेरी हालत पर ना जाइए, आपके प्रश्नों के उत्तर मेरी हालत नहीं मेरी बुद्धि बताएगी, आप पूछिए। सज्जनों, अब तो राजा ने मजदूर से पहला प्रश्न पूछ लिया कि ये बताइए, बकरी के पेट में मल गोल गोल कैसे पैदा होता है? मजदूर ने उत्तर दिया, महाराज, वायु से। राजा सही उत्तर सुनकर अचंभे में पड़ गए, फिर सोचने लगे कि हो सकता है कि इस प्रश्न को हल करने में इसकी किसी ने सहायता की हो। यही सोचकर राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा, ये बताओ, पीपल के पत्ते का डंठल बड़ा होता है या पत्ते का ऊपरी भाग? मजदूर ने उत्तर दिया, महाराज, दोनों ही बराबर होते हैं। उत्तर सुनकर राजा को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने तीसरा प्रश्न भी पूछा, ये बताइए, गिलहरी के शरीर में कितनी काली रेखाएं होती हैं और कितनी सफेद? उसका शरीर लंबा होता है या उसकी पूंछ?
मजदूर ने झट से उत्तर दिया, गिलहरी के शरीर में जितनी काली रेखाएं होती हैं उतनी ही सफेद रेखाएं होती हैं। उसका शरीर और पूंछ दोनों ही बराबर होती हैं। राजा ने चौथा प्रश्न किया कि हे महाशय, ये बताइए राजा के कितने पिता होते हैं? मजदूर ने उत्तर दिया, राजा के 5 पिता होते हैं। पहला राजा, दूसरा कुबेर, तीसरा चांडाल, चौथा चोर और 5वां बिच्छू। राजा का पहला पिता राजा इसलिए होता है क्योंकि वो राजा का पुत्र है। राजा का दूसरा पिता कुबेर इसलिए होते हैं क्योंकि वो दान में कुबेर के समान होता है। राजा का तीसरा पिता चांडाल इसलिए होता है क्योंकि वो क्रूरता में चांडाल के समान होता है। और राजा का चौथा पिता चोर इसलिए होता है क्योंकि वो सब कुछ हरण करने में चोर के समान होता है। राजा का 5वां पिता बिच्छू इसलिए कहा गया है कि राजा सोते हुए को छड़ी की नोक से उठा सकता है। राजा उस मजदूर के उत्तर सुनकर बहुत संतुष्ट हुए, वो उसकी बुद्धिमता पर मुग्ध हो गया। अब बचे हुए 3 प्रश्न राजा ने उसकी कार्यकुशलता को आजमाने के लिए रहने दिए और मजदूर से कहा कि आप अपने गांव लौट जाओ, मुझे तुम पर कुछ संदेह है, जरूर ये प्रश्न बताने में तुम्हारी किसी ने सहायता की है, इसलिए बाकी के 3 प्रश्न तुम्हें अपने गांव में ही बताने होंगे। ये प्रश्न और भी अधिक कठिन होंगे, जाओ। यदि प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे पाए तो लोगों को जुर्माने की रकम भरनी पड़ेगी। राजा की बात सुनकर मजदूर अपने गांव चला गया। दूसरे दिन राजा ने गांव वालों के पास 5वां प्रश्न भिजवाया। प्रश्न ये था कि गांव के बाहर जो शिला पड़ी हुई है उसका मंडप बनवाना है। प्रश्न सुनकर गांव वाले सब आश्चर्य में पड़ गए कि शिला का मंडप कैसे बनाया जाए। तभी बुद्धिमान मजदूर ने जब ये सुना तो हंसने लगा, बोला इसमें क्या कठिनाई है, शिला के चारों ओर की भूमि को गहरा खुदवा दो और चारों कोनों पर 4 खम्भे लगवा दो ताकि शिला उन पर टिकी रहे, मंडप तैयार हो जाएगा। बुद्धिमान मजदूर की बात सुनकर गांव वालों ने वैसा ही किया और मंडप तैयार हो गया। राजा ने सुना कि उसने अपनी बुद्धि से मंडप बनवा दिया है तो वो बहुत खुश हो गया। 6 प्रश्न के रूप में राजा ने गांव में एक बकरी भिजवाई और कह दिया कि 1 महीने तक इस बकरी को खिलाने पिलाने के बाद इसका वजन ना कम हो ना बढ़े, जितना है उतना ही रहना चाहिए। राजा का ये अजीब प्रश्न सुनकर सब गांव वाले घबराने लगे, सोचने लगे जरूर राजा हम लोगों से दंड के रूप में 5,000 रुपए वसूलना चाहता है, इसलिए ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। अरे भाई, बकरी को संतुलित रखवाना बड़ा मुश्किल है, ये तो जहां हरी घास देखेगी वही मुंह मारने लगेगी, इसे रोज नाप तोल कर खिलाना पिलाना तो बहुत मुश्किल काम है, वजन तो इसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब ये प्रश्न मजदूर ने सुना तो कहने लगा, घबराओ नहीं, इसका भी समाधान है। वह बुद्धिमान मजदूर उस बकरी को लेकर गया और गांव से बाहर एक पेड़ से बांधी। वहां रोज एक भेड़िया आता था, मजदूर उस भेड़िये से बकरी की निगरानी रखने लगा, साथ ही साथ बकरी को खूब खिलाता पिलाता भी था। पेट भर के भोजन मिलता रहा, इसीलिए बकरी का वजन घटा भी नहीं और उधर भेड़िये के डर से उसका वजन बढ़ा भी नहीं। अब राजा ने 7वें प्रश्न के रूप में उसके पास एक मुर्गा भेजा और कहा कि इस मुर्गे को बिना लड़वाए लड़ाकू बना दो। मजदूर ने उसका भी समाधान निकाल लिया। मुर्गे के सामने उसने एक शीशा रख दिया जिसे दर्पण कहते हैं। मुर्गा जब भी शीशा देखता तो वो अपना ही प्रतिबिंब देखकर उससे खूब लड़ता। कुछ ही दिनों में वह मुर्गा खूब लड़ाकू बन गया। किसान ने उसे राजा के पास भेज दिया और उसे लड़ाकू कैसे बनाया यह भी बता दिया। राजा उसकी बुद्धि से हार मान चुका था, उसने उस गरीब बुद्धिमान मजदूर को अपना सहायक मंत्री बना लिया। बंधु, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में अवश्य बताना। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।